नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं अपनी हिजाबी बहनों को और बिलखुसूस जो स्कूल और कॉलेज में इस वक्त पढ़ रही हैं उनके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूँ। जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी, मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में वो सारी तफसीलात आपके सामने रखी। हुकूमत इस सिलसिले में दुपट्टे को इजाज़त देती है या नहीं देती है, जाहिर सी बात है कि दुपट्टा और हिजाब तो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। अब तो वोढ़नी जिसको कहा जाता है, ये तो जो है बाकायदा गैर मुस्लिम तालिबात भी जो है इसको लेकर के साथ में जाती हैं स्कूल में, और बहुत सारे स्कूलों का यूनिफॉर्म में शामिल भी होता है। ऐसे हालात में सुप्रीम कोर्ट ने भी जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है और अभी 28-29 तारीख से जो है एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे और बिलखसूस मुस्लिम मैनेजमेंट की तालिबात भी एग्ज़ाम्स हाल में जाएंगे जो हट कर के होता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होते हैं, तो हिजाब का ये मामला उस वक्त भी सामने आने वाला है। इसके लिए अभी से हम तैयारी क्या कर सकते हैं? जाहिर सी बात है कि हिजाब एक शरीयत के हिसाब से एक फ़र्ज़ चीज़ है, उसके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता और ना ही किसी भी तरह का उलमा इकराम इस सिलसिले में कोई फतवा देकर के कह सकते हैं कि जो है आप इस सिलसिले में जो है जवाब कोई निकालने का रास्ता ही नहीं है, इसलिए कि इसमें बाकायदा हदीस और कुरान में इसका साफ़ और वाज़ेह तौर पर बयान है। ऐसे हालात में कोई तरीक़ा या कोई रास्ता निकाल नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ रह जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर जब इंसान मर रहा होता है उसके आसपास में कोई भी खाने की चीज़ नहीं होती, जान के लाले पड़ जाते हैं और नहीं खाएगा तो मर जाएगा, ऐसी सूरत हाल में इस्लाम ने इजाज़त दी है मरे हुए कौवे की खाने की, यानी जो चीज़ हराम है उसको खाने की भी इजाज़त दी है। ऐसे हालात में वक्ती सूरत के लिए, वक्ती जवाब के लिए क्या तरीक़ा हो सकता है बहुत कुछ बच बचाते हुए, तो हमारे सामने एक वीडियो पेश किया है जनाब विजडम इंटरनेशनल स्कूल, जानते हैं बेंगलुरु का बहुत मशहूर स्कूल है, जनाब मोहम्मद फैयाज शरीफ साहब ने जो कि बानी और हैं, बानी भी हैं, सीईओ भी हैं विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, उन्होंने उलमा इकराम से इस सिलसिले में बात करते हुए एक तरीक़ा निकाला, जैसे आजकल बात चल रही है अमीर शरीयत ने भी इस सिलसिले में जो है सिद्धारामैया के सामने और दीगर सियासी लीडरान के सामने ये बात रखी थी कि किसी भी तरह से वोढ़नी या दुपट्टा जिसको कहा जाता है उसकी इजाज़त मिल जाए तो जो है तलबा और तालिबात की जो है तालिबात के लिए आसान रास्ता बन सकता है। अब उन्होंने एक तरीक़ा निकाला है कि आप एक दुपट्टे को इस्तेमाल करते हुए किस तरह वो आपका हिजाब भी बन सकता है और आपका चेहरा भी छुप सकता है। जाहिर सी बात है कि इस वीडियो को आप देखेंगे तो किस तरह से जो है एक दुपट्टे को हिजाब के साथ उसको बना करके पेश किया गया, वीडियो हम अलग से आपको पेश करेंगे भी इसके बाद, लेकिन इसका तरीक़ा यहाँ समझिए। इसमें आवाज़ जो बीच आई हुई बहुत स्लो आई हुई है, जो वीडियो हम तक पहुँची लेकिन वो आपको हम बता सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आप जब अंदर दाखिल होंगे तो इसी तर्ज के साथ जाएंगे और स्कार्फ़ और मूछ ढांपने के लिए हमारे पास जो है सबसे बेहतरीन रास्ता है मास्क का। मास्क को भी आप हर घर में आजकल जो है सीने वाली मशीनें तो होती हैं, घर में कोई ना कोई फ़र्द या खातून जो है सीने वाला होता है, बेहतरीन नाक के ऊपरी हिस्से तक और थूडी के नीचे तक जो छुपाने वाला एक ऐसा मास्क तैयार कर ले, इम्तिहान से पहले पहले तैयारी करना है, और घर से निकलते घर भी ये सारी ड्रेसिंग हो जाए और आप बुरके के साथ जाएं, जब आप इंटर हो जाए हो रहे हो एग्ज़ाम्स हाल में तो उसको उतारें और बुरके को उतारें और पूरा तह करके अपने बस्ते में रख लें और जो दुपट्टा है उसको सर पर लेने की कोशिश करें। अगर वहाँ दुपट्टा और इसी दुपट्टे को आप उसका जो है सर का आंचल भी बना रहे हैं और फिर जो है मास्क के ज़रिए से अपना छुपा भी रहे हैं, तो फिर आपका पर्दा भी हो रहा है, आपका यूनिफॉर्म की पूरे सारी ज़रूरियात और उसकी सहूलियात भी पूरी हो रही हैं, और एक आखिरी हद दर्जे का जो है हम लोग अपने ईमान को बचाते हुए हिजाब के सिलसिले में जो इज़्ज़त और जो तौकीर हमारे दिलों में है उसको बचाते हुए जो है इन तमाम चीज़ों का हम पूरी तरह से ख्याल रख सकते हैं। इस तरह से आप एक लंबा दुपट्टा लेकर के जिस तरह हमारे यहाँ पे बहन तैयार कर रही हैं एक बच्ची को कि किस तरह मास्क का इस्तेमाल करके एक दुपट्टे को सर का आंचल बनाते हुए पूरी तरह से हिजाब की शक्ल दे सकते हैं उसको, इस तरह की चीज़ें जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हुकूमत जाहिर सी बात है कि वो ज़ाफ़रानी ज़हनियत की है, वो इन तमाम चीज़ों की इजाज़त दे न दे उनको तो कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम तालिबात की जो है एजुकेशन से अगर ऐसा होता तो वो कभी हिजाब पर किसी भी तरह को ऑब्जेक्शन नहीं करते, इस वजह से उन लोगों से उम्मीद लगाना इस वक्त जो है बेवकूफ़ी है। ऐसे हालात में खुद अपनी पेशगी जो है पूरी तरह से जो है तैयारियां कर लेना ताकि हम SLC हो या कॉलेज में पढ़ने वाले तालिबात हों जिनका एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, प्रैक्टिकल्स आने वाले हैं और सेमिस्टर्स शुरू होने वाले हैं, अलग अलग तरह के जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह की चीज़ें आती हैं, तमाम चीज़ों के लिए जाहिर सी बात है कि रुकावटें पैदा करेंगी। सुप्रीम कोर्ट का जो लहजा है, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है, उससे साफ़ और वाज़ेह तौर पर हमें पैगाम दिया जा रहा है कि जो है इस सिलसिले में हमें कोई जल्दी नहीं है, और उसी तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट में हाई
हाईकोर्ट में लिए गए हैं, उससे वो पूरी तरह से जो है उसी तरह का लहजा इख्तियार किए हुए हैं इस वक्त यहाँ के जजेस भी। ऐसे हालात में लगता है कि अभी बहुत दूर चलने वाला है मामला। ऐसे हालात में इम्तिहान तक इस तरह के जवाब को पैदा करके हम लोग इस तरह दुपट्टे को पूरी तरह से हिजाब के तौर पर भी और चेहरा छुपाने के लिए हमारे पास मास्क है उसका तरीक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप बग़ौर देखें और बिलखसूस मैं अपनी हिजाबी तालिबात से वालिदैन से दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो क्लिप को इसको अलग कर लें और अपने अपने स्कूल और जहाँ जहाँ भी हिजाबी तालिबात हैं स्कूल की तालिबात बात हैं अपने अपने इलाके की थोड़ी बहुत को ज़रूर भेजें ताकि वो पूरी तरह से पेशगी एग्ज़ाम से पहले पहले इसकी तैयारी कर ले सकें। अगर किसी के पास छोटी ओढ़नी है तो वो बड़ी ओढ़नी ला सके, लेकिन याद रखिए कि आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म के कलर का ही वो ओढ़नी हो और वो दुपट्टा हो और थोड़ा लंबा हो, जिससे जो है आपका आपकी पीठ की जानिब उसका जो आंचल है वो लहराता रहे, फिर उसी आंचल को आप सर पर ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है सामने छाती का हिस्सा भी जो है इसमें छुप जाएगा और चेहरा छुपाने के लिए बाकायदा जो है आप पूरी तरह से मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये 2-3 घंटे की बात होती है, लिहाजा फिर बाहर आएँगे, फिर बुरका वगैरह ओढ़ेंगे, फिर निकल करके आएँगे और उसी को दुपट्टे को जो है आप हिजाब बना करके भी घर तक पहुँच सकती हैं। ऐसे हालात में आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और जाहिर सी बात है कि अब कोई तीसरा रास्ता कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है और एग्ज़ाम्स की डेट हमारे नज़दीक आती हुई जा रही है और हम तालीम को भी नहीं छोड़ सकते और हिजाब के सिलसिले में कोई बाकायदा जो है उसके जो फ़र्ज़ है उसके साथ भी कोई हमारा समझौता नहीं हो सकता। ऐसे हालात में जो दरमियान की राह है वक्ते ज़रूरत, ये नहीं करें कि हमेशा के लिए, वक्ते ज़रूरत इस तरह का जो है हम लोग पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकते। मुझे उम्मीद है कि मेरे बात ख़त्म होने तक ये वीडियो भी आप लोग देख चुके होंगे, लिहाजा इसको बार बार पलटें, रिवाइंड में जाएं और इस वीडियो को देखें कि किस तरह का तरीक़ा हमारी ये बहन ने जो है इस्तेमाल किया है इस बच्चे को जो है पूरी तरह बाहिजाब बनाने के लिए। उसको ज़रूर देखने के बाद जो है इसको दूसरों तक फैलाने की भी कोशिश करें। बहर कैफ नाज़रीन गिरामी, हम इस सिलसिले में विस्टम इंटरनेशनल स्कूल के जनाब मोहम्मद फ़याज़ शरीफ साहब का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जो है इस सिलसिले में उलमाए कराम से राय मशवरा करके इस सिलसिले में जो है पूरी तरह से इसको एक बेहतरीन अंदाज़ में हमारी हिजाबी तालिबात के सामने पेश करने की कोशिश की है।